ये नवाज सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं वज़ाइफ़ पढ़ते हैं पर असर नहीं होता, कोई ऐसा हल इरशाद फरमा दें कि वज़ाइफ़ पढ़ें और जल्दी असर भी ज़ाहिर हो जाए। चलो बुलेट चलाने के लिए उसका असलहा मजबूत होना चाहिए। अल्लाह के नेक बंदे जो पढ़ के दम करते हैं, ये बुजुर्गों के वाक़यात इस तरह के, तो जैसे पत्थर को सोना बना देंगे दम करके। मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम का वाक़या है, कुछ गैर मुस्लिम बैठे हुए थे, उन पर उनके पास किसी ने सवाल किया जाकर, तो उन्होंने मजाक में भेज दिया, वो हजरत अली बैठे हुए ये देंगे, ये वो देते जाओ जाओ उनसे मांगो। तो फ़कीर वहाँ पहुँच गया, फ़कीर ने हाथ फैला दिया, इन्होंने इसकी हथेली पे दम किया कुछ पढ़ के, मौला अली ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दम फरमाया और फरमाया कि जाओ ये गैर मुस्लिमों के सामने ये मिट्टी खोल देना। तो ये खाली हथेली और दम किया और गैर मुस्लिम हंस रहे थे, फूंक मारने से क्या होता है। खैर ये जब वो फ़कीर वहाँ पहुँचा और उसने उनके सामने मिट्टी खोली तो उसमें सोने के सिक्के थे। इस पर गालिबन कई गैर मुस्लिम मुसलमान हो गए थे ये करामत देकर मौला अली के। तो ये फूंक मारने के लिए मौला अली का मुंह चाहिए। हम लोग तो बात बात पे माज़ अल्लाह हमारे मुंह से झूठ निकले, गालियाँ निकले, जिस चीज़ की दिल आज़ारियाँ करते हों, गंदी गंदी बातें करते हों, तो हमारे मुंह से पढ़ना और इसमें फूंक मारना। और मौला अली जिनके हर सांस में अल्लाह की याद हो, जिनके हर लफ्ज़ में ज़िक्रुल्लाह हो, नेकी की दावत हो और अल्लाह पाक और इसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर हो, तो इनकी फूंक और मेरी तेरी फूंक में ज़मीन और आसमान से भी ज़्यादा फ़र्क है। तो जो हम बोले कि हमारे सारे वजीफे बासर हो जाएं, हम जो बोले करें, वो जिन को यूँ छू किया तो जिन हाथ में आ गया, छू किया तो बोतल में चला गया, फिर छू किया तो ढक्कन लग गया, ये बड़ा मुश्किल है। ये जिनकी छू कर देगा तो उछाल के रख देगा, तो हमारी फूंक में इतना असर नहीं है। तो अल्लाह पाक करम फरमाए, अल्लाह की रज़ा के लिए विरदो वज़ाइफ बंदा बेशक पढ़े लेकिन साहिब इजाज़त से इजाज़त लेकर और सोच समझ कर, क्योंकि कई ये विरदो वज़ाइफ वाले देखे हैं मैंने कि ये फिर दिमाग आउट हो जाता है बाज़ूक़ात, इसकी तजल्ली बर्दाश्त नहीं कर सकते। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।